राम राम सारे माण भाइयों ने देश वाल व्लॉग में आप सबका स्वागत है भाई। जाडे शुरू हो गए हैं दोस्तों। सब तो पहला सारे ने भाई हैप्पी न्यू जाडा, जाडे में बचकर हो। और आज तो भाई थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, मजा होगा आज। कल धूप नहीं निकली थी लेकिन आज निकल रही है। ये देखो भाई बहुत प्यारी धूप निकल गई है और पड़ोसिया ने अपने कपड़े सुखा दिए। जाडे में बड़ी समस्या हो रही कपड़े की, लेकिन ये रस्सी बांध दी हमने। एक दिन पड़ोसी सुखा ले, एक दिन हम सुखा ले। अभी मिलवाता हूँ घरवाली से और बच्चों से क्या करने लग रहे हैं। सारी का तो रसोई में है और बच्चे अपने बैठे हैं आराम से कमरे में। हाँ सोनू। हाँ? क्या करने लग रही है? मैं सर्दियों में आलू के परांठे। वाह भाई वाह, आलू के परांठे उतरने लग रहे हैं दोस्तों महाराज है। भाई किसी ने खाने हो तो आज ही हो। बच्चे के लिए नाश्ता बनाने लग रहा है और मेरे लिए क्या आज? आपके लिए है बाजरे की रोटी और हरी सब्जी। वाह भाई वाह, सरसों साग और बाजरे की रोटी तो मेरे लिए तो भाई बेस्ट चीज है। बच्चे भी खाओगे, लेकिन अभी ये है कि सुबह सुबह सोनू नाश्ता कर लेंगे बच्चे पराठे के साथ, क्योंकि बच्चे एक छुट्टी हो रही है ना स्कूल की एक हफ्ते की सरकार की ओर से। हाँ तो ये अपनी क्लास ले थी, ये रोटी खाऊंगे। तो भाई ये हमारा प्यारा सा भांजा है भाई अंशु। यो भाई देख लो, इसकी शक्ल ना याद रखियो दोस्तों, बहुत खतरनाक बच्चा है। और भाई यहाँ पर परांठे का स्वाद लिया जा रहा है। छोटे कैसे बन रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। हाँ, सारे खाइयो दादा मैं परांठे आलू के। हाँ। देवराज आप भी खाओगे? हाँ, मैं भी खाऊंगा, काम करके आया हूँ स्कूल का। चलो खा लो फिर, हरी सब्जी खाइयो मेरे साथ और बाजरे की रोटी खाइयो। ठीक है, सुबह सुबह गली में रुक के बारे है मामी आज के बनाओगे मकालू के परांठे, अच्छी मस्त चाय और बना लो देख ले अंशु। हाँ अंशु चाय भी पियूगा, चाय पियूगा भाई। अभी बच्चा ने नाश्ता कर लिया और बच्चे की जो मम्मी का नाश्ता है वो और दिखा दूं दोस्तों। देखा अपना नाश्ता, देखा देख ले सूखे परांठे है। सूखे परांठे खा ही नहीं सकती ये देखो भाई, ये देखो भाई छोटे सारा मक्खन खत्म कर दिया आपकी मम्मी ने। मेथी के रखा, ये देख अपना खा लिए पूरा डोंगा भरा था बेटा। इसमें धनु लाले दो तीन चम्मच हमने खाया होगा, बाकी सारा आपकी मम्मी ने खाया है। थोड़ा सा है बता, मैं बाजरे की रोटी खाऊंगा तो उसमें मक्खन सा होगा, क्योंकि बाजरा बगैर मक्खन खाया नहीं जा। बहुत है ये ताकती। अरे यार कहाँ पे बहुत है, एक चम्मच भी कोना छोटे। हाँ। सारे ने खा जा है इस पर यार लगाम लगाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी छोटे। अरे इस तरह लगाम नहीं। हाँ। बोलो कि घी कम खाया कर। घी कम कुकर खाओ सब पमा। घी बनाता ना वासिन से ना। वो दी देखो अब तुम है ना है। अरे फैट चढ़ रहा है, मोटी हो रही है। बाकी लास्ट में जब आधा परांठा तो बचे जब लेकर आई मम्मी नूड़ी घी, मैं भी अच्छा खा गया आधे परांठे में। ठीक है खाया करो, मम्मी ना खाया बेटे ने खाया। खाया करो, खानती है वो बेटे। मैं तो मजाक करूँ था। अभी देवराज लग गया है अपनी पढ़ाई का और फोन में इनका काम आओ भाई सारा का सारा, क्योंकि छुट्टी पड़ रही है सर्दिया की, सरकार ने छुट्टी कर दी। किन किन बच्चे की छुट्टी ना हुई वे कमेंट में जरूर बताइयो। देवराज काफी काम मिल गया बेटे, पर रोज 15 काम आ गया है तो करना पड़ेगा, कोई फायदा है कोई नहीं बेटे, काम तो करना पड़ेगा। और सर्दी की वजह से छुट्टी ना हो रही और पॉल्यूशन ज्यादा हो गया था और धुंध की तरह लग गया था, कम दिखना था जाती, सरकार ने एक हफ्ते की छुट्टी कर दी। अच्छा पोल्यूशन की वजह तो हुई है। हाँ। ठीक, मेरे दोस्तों काफी तगड़ा जुखाम हो रहा है भाई, आवाज भी आप लोगों ने चेंज लगती होगी आज तो, जुखाम भाई इसी चीज हो है, आवाज ने भी बदल दे है, इससे तो बढ़िया ताप चढ़ जा दोस्तों। जुखाम नहीं होना चाहिए किसी का, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ पिछले 3 दिन से। जुखाम की गोली दवाई भी लेकर देख ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यो अपने आप को जागा साथियों। 2-3 दिन तो हो गए भाई, 3-4 दिन शायद और लगेंगे। बच्चे ने नाश्ता कर लिया दोस्तों, अभी मैं तो भाई खाना ही खाऊंगा, मैं तो नाश्ता वास्ता कम करया करूं। तो सोनू लाग रही है तैयारी में, सोनू बाजरे की, बिल्कुल बाजरे की रोटी। अब भाई बाजरे की रोटी देखो पूर्ण लाग रही है, तो बाजरे की रोटी जैसे घी की पुए है वैसी ये पुए है ना, और ये चकला बेलन पर पुण है की बाजरे की आते ये हाथ से बनानी पड़े। वाह भाई वाह। लो भाई दोस्तों अपना भोजन आ गया है, आज का भोजन भाई बड़ा ही मजेदार है, प्योर हरियाणवी। ये देखो बाजरे की रोटी और यो रख लिया मैंने मक्खन, और भाई सारी का ने कम छोड़ दिया आज मेरे लिए दोस्तों, कोई बात ना इतने में तान बजा लेंगे। और यो मक्खन डाल दूंगा भाई हरे साग में, क्योंकि हरे साग में जब घी पड़ जाए दोस्तों तो वारे के नहरे हो जाए। जो साथ में गुड़ है भाई और दूध लिया है मैंने, लस्सी ली नहीं क्योंकि मेरा जुकाम हो रहा है। तो अभी भोजन कर लिया दोस्तों भाई, सर्दी में सरसों बथुए का साग मिल जाओ, बाजरे की रोटी वारे के न्यारे हो जाए। सर्दी की धूप में भाई बच्चे के जी से आ जाए देखो। हाँ भाई। हाँ।
लाग रहे हो खेलने? हाँ। छोटे लाल हाँ? मजे आ रहे हैं? हाँ। खूब खेलो बेटे, शाम तक रहेगी धूप आज। ओहो पता नहीं कौन सा खेल है भाई, कौन सा खेल है यो? बीच का बंदर। बीच का बंदर? हाँ। वो क्या हो छोटे? बंदर हैं वे, मार मार हैं। अच्छा यो बीच का बंदर खेल है भाई। देखो भाई दोस्तों, दोपहर के 2 बज गए, सकू 3 बाहर निकाल लूं क्योंकि मैं निकालूंगा अपनी खाट और भाई सोऊंगा आज बाजरे की रोटी खा रही। हाँ आराम से ये कोई बात है, खाट भी ना चलती रही। ले भाई देवा, अपना तो बिस्तर रेडी है। सोन कौन देगा? मैं सोऊंगा भाई। हम नहीं सोन देवा आज कती भी ना भाई, मैं तो क्योंकि आज सुबह हम नहीं सोन दिए माँ बेटा। भाई बाजरे की रोटी खा रखी है, नींद आओगी। सोन दे बेटे, थोड़े खाट ने मुंह दीवार दे, सोन नहीं देना आज। जल्दी खा, जल्दी जल्दी। आपने मैंने सोन दिया था बेटे, अरे नींद आ रही है, थोड़ी देर सोन दे। सारी नींद करनी हमने। सुन 8 घंटा सोन दे, फिर पार्टी दे दूंगा शाम में। ओहो दूर हो रे, चल के पार्टी दूंगा दोनों आते ले। ठीक ये करेगी मैं रही है रे, पार्टी पक्का शाम में। कुछ भी ले लियो, कुछ खा लियो जो मन करे, 8 घंटा लो तुम। लाइव के करेगी, मैं कर दूंगी कार्रवाई एनो करके। सुबह हमने भी तो कही थी सोन दे, सोन नहीं दिए। ठीक है ना, सोन दे भाई, उठना पड़ेगा ना। क्या ना उठे, खाट ना मुंह नहीं मारेंगे आज गली। काम लेके डरे यार, बता ऊपर तो बाजरे की रोटी है, साग खा रहे हैं यार, फिर भी यार लोटन नहीं देते। हमने भी कही थी सुबह सोन दे, सोन को ना दिए। सुबह तो ठाया एक रहे, तो ये हम ना सोन देवा ना दिन में। 9-10 बजे थी, थोड़ी सोन दूंगा तुम। 7 बजे ठा दिए थे आज हम, तब ठाऊंगा रोज ठाऊंगा। तुम भी रोज सोन नहीं देवांगे, चाय बना लेगा। ठीक है, जय हो खागड़ देवता की। बहुत तगा जिद बना के लाई इधर रह की जीवन पहला नहीं, 8 घंटा में सो लियो है तो कुछ फांसी आओ थी थारे। आज सोन कौन देवा, हम नहीं सो रहे दस के ऊपर सो रहे। ये बुलेट वाले पटाखे मारते आन रहे, फिर उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। गुस्सा तो बतेरा उठा आज, पर के कह सकूंगा मैं दोस्तों। 2 घड़ी आंख मीच लियो है, सोन नहीं दिया तो अभी भाई चाय का आनंद लेने लग रहा हूं। और मेरे पीछे बच्चे भाई अपने मिट्टी में मौज मस्ती कर रहे हैं, हम भी बचपन में खेलिया करते। शहर में मिट्टी मिल जाए है, बहुत बड़ी बात हो है। लुगाई थोड़ी बहुत भी शर्म ना आई तने। शर्म क्या ना, 2 घड़ी आंख मीच ली हुई तुम्हें, हमने भी कही थी तड़के। तो सोनू ये बना, तू सो के दिखा दिए दिन में कदे भी। दिन में मैं सोऊंगी क्या, कभी ना सोऊं? तू सो के दिखा दिए। ठीक है, नहीं सोने दूंगा, देखेंगे कौन किसका फंसेगा। सो मेरे तो फालतू सोवे है ना, फालतू कुत्ता सो। तो अभी बच्चा देख लिया भाई के बनाया है, के बना दिया छोटे लाल। देखो कले बनाना रहे हैं गन्नी, मिट्टी की कले बना दी। वाह भाई वाह, नीचे भी बना दी, शाबाश। घर भी बनाया के वहाँ पे? हाँ मैंने पाछे फिर दिखाऊंगे आपने। चलो ठीक, मगन हो रहे हैं बच्चे भाई अपने खेल में, मिट्टी में खेल का मजा आवे बड़का ने। जो देखो लाने के काम कर दिए, लेकिन देख मार्बल पे छा रखा अगला के कर दिया यो। यो देख उलाना उठ लिया जब उठना पड़ेगा, इन्हें साफ करियो भाई। इसका डर लग गया करता मैंने, आज छोटे ने शरारत नहीं करी, देव ने करी है। देखो कोई बात ना भाई, बच्चे हैं भाई, खुश हो रहे हैं बच्चे। वैसे बेटे पूरा साफ करना फिर है ना, बर्तन तो
कदे कदे माटी खेलन पावा है ते पड़ोसिया को माटी आ रही थी उनकी माटी उठा के खेलन लाग रही ना शहर में माटी कड़े था लेकिन पूरा कोरा मचा दिया इन्हें देख सोनू चुप कर तो साफ करेंगे जो सारा साफ करवाना पड़ेगा हां तो सारा साफ गैल लाख के साफ करवाइए बाल का की करवा दूंगी साफ पर बाल के खेल लियो के बगा आया है पत्थर पेटण में छोटे माटी का पत्थर था लेकिन एक बात है भाई देवराज की टीम ने देखो मकान का सुत्ता बना दिया मिट्टी का मकान बनाया है और ये ऊपर वेंटिलेशन दे दिया ये भी सूखेगा बेटे हाँ। सुखाओगे इसने हाँ, कल भी सुखाओगे भाई ने फिर नीचे से उठा लोगे ठीक हाँ। है भाई लागे रहो दोस्तों बच्चे गए अभी ट्यूशन पे भाई और मेरे को फिर नींद आ गई है अभी मैं सोऊंगा अब सोनू कुछ नहीं कर सकती जल्दी से भाई इस वीडियो ने लाइक करियो साथियों कमेंट करियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करियो 3 लाख हो गए थे साथियों मेरे 40-45 सब्सक्राइबर टूट गए रात ने ये यूट्यूब पे आम बात है कभी कभी ऐसा हो जाए एकदम से आपके सब्सक्राइबर कम हो जाए तो कोई बात नहीं जल्दी यही वापिस हो जाएंगे तो सभी भाई बहनों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे 3 लाख दर्शक कराए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सभी को राम राम सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें अपने अपने कामों में व्यस्त रहें राम राम जी।